ये बात सच है कि ये प्रोग्राम कैंसल होने की कगार पे था, क्योंकि जिस दिन मेरी माताजी का देहांत हुआ 4 दिन पहले, सबसे पहला फोन अगर मुझे किसी का आया तो वो सुभाष शिरोडकर जी का था, और उन्होंने मेरे हालचाल पूछे। फिर 1-2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अगर आप चाहो तो आप ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने एक बात उस दिन बोली थी कि जो हुआ है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, पर आज तक तुमने अपना कमिटमेंट कभी तोड़ा नहीं है और ये कमिटमेंट टूटना नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, और तुमको उसी दिन पे जाना चाहिए और ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो मुझे आना पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो डिसीजन घर पे बैठने का नहीं लिया। यहाँ आने के बाद मुझे कल रात को फोन आया कि ये बाइक यहाँ पहुँच नहीं सकती है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कहीं पर और बाइक अवेलेबल नहीं है। मैंने उसको कहा कि कल 4 बजे तक अगर ये बाइक चिरोड़ा नहीं पहुँची तो तुम जानते हो कि मैंने मेरे घर में जो हादसा हुआ उसके बावजूद मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने तुम्हारे पेमेंट्स क्लियर किए। अगर ये बाइक कल 4 बजे तक यहाँ नहीं पहुँची तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। लेकिन 3 बजे ये बाइक यहाँ पहुँच गई थी आज, और 3:15 बजे मुझे फोटो आ गया कि ये बाइक यहाँ पहुँच गई थी। सो अगर आपकी सोच अच्छी होती है तो आपके कार्य में कोई बाधा नहीं आती। माननीय राजमंत्री श्री सुभाष शिरोडकर जी से मेरा परिचय है, हमने काफ़ी सारे जो कार्यक्रम है वो साथ में किए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कहा है कि ये हमको करना है, उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है या समय नहीं है। वो हमारे वुमेन्स ऑफ चेंज अवार्ड के लिए वो और गौरी दोनों मुंबई तक आए थे, उसके दूसरे दिन गौरी का एक कला एकेडमी में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहाँ पर उन्होंने एक यूनिक प्रोजेक्ट किया जिसमें हेल्थी टिफिन नाम के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया और एक भव्य कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं गौरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे यूनिक प्रोग्राम में उसने मुझे आमंत्रित किया। गौरी के लिए मैं आप सब परिचित ही है, गांव की आपकी बेटी है, आप सभी परिचित हैं उससे। लेकिन जो मैंने देखा है आज, मैं उसको अपने आपके सामने छोटा महसूस करता हूँ कि अपने पिता के इस कार्य को कैसे कंधे से कंधा मिला के वो चलती है और कितनी उसने तपस्या की है इस कार्यशैली के लिए और इस जगह पर पहुँचने के लिए। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सुभाष शिरोडकर जी, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, व्हेन यू हैव अ डॉटर शी इज नॉट टेंशन, she is equal to 10 sons. So you have a daughter who is equal to 10 sons and उसने really ये बात को प्रूव की है। ये विकलांगों को बाइक जब देने की बात आई तो मैं और शिरोडकर जी और शेखकर जी हम एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे और तब शिरोडकर जी ने ऐसी बात हमसे कही कि हमें विकलांगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा बताइए आप क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर एक विकलांग को हम ऐसी कोई चीज़ दें जिससे उसको उस चीज़ की कमी महसूस ना हो तो शायद उससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। विकलांग जिस परिस्थिति में रहते हैं उसकी कमी सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, हम और आप नहीं समझ सकते। अगर आज आपके प्रयास से, किसी के CSR इनिशिएटिव से अगर किसी विकलांग को उसके सपने साकार करने का मौका मिलता है तो इससे बड़े पुण्य का काम और इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कोई होती। अगर इस बाइक पर बैठ के वो अपने आप को हम और आप जैसे ही एक संयुक्त सोसाइटी में समझता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। खैर, शिरोडकर जी किसी तारीफ के, बैनर के या उनके काम के परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो आप सबके समक्ष है और इस पूरे राज्य के समक्ष है। हम ऐसे ही नेता के साथ काम करना चाहते हैं जो अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है, और हम उनसे इस बात का वचन देते हैं और प्रतिबद्ध हैं हम इस चीज़ के लिए कि शिरोडा कॉन्स्टिट्यूंसी भी, गोवा के अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी होगी उसके लिए हम पूरी मेहनत से, हमारे पूरे योगदान हमारा इसमें रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी से हमारी कई बार मुलाकात हुई और उन्होंने भी हमें
जो योगदान दिया है आगे बढ़ने का और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे साथ ताकत उन्होंने लगाई है उसके लिए उनका भी इस मंच से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा और लंबा नहीं करना चाहता, पर मैं शिरोडकर जी का, गौरी का, चंद्रकांत शेखर जी का, तमाम सरपंच का और उप सरपंचों का और पंच के सब मेंबर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा ही अद्भुत आयोजन उन्होंने किया। वो नृत्य देख के मुझे ऐसा लगा, शिरोडकर जी मुझे कह रहे थे कि इनको बॉम्बे लाना चाहिए था हमारे अवार्ड शो में, तो बिल्कुल अगली बार हम ऐसा ही करेंगे सर। वेगवेगळ्या प्रकारचे सादरीकरण त्यांच्या रूपात वेगवेगळ्या
काही गरजू जे पेशंट असतात डायबिटी किडनी वगैरे वगैरे प्रॉब्लेम झाला असतात असं काही लोकांना वेगवेगळे जे तुमच्या मार्फत जो अधिकारी असा प्रगती या डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंटमार्फत काही लोकांचं वस्तूंचे प्रदान केली करता ते आहे आपल्या पेशंट मुख्य गोष्ट आता ती अशी माननीय मुख्यमंत्र्या आमच्या मतदार संघासाठी जवळजवळ 15 ते 25 कोटी रुपयांचे सेक्शन दिला ओन्ली फॉर रोड्स आणि जोर येतो आणि काम वगैरे फोन देऊन कर्नाटक बाबा बाय सिल्वा कुठं येतो बाय सिल्वा तुला तुला बाबा हिरो कुठं चाललो गोविंद कृपा शिरो एक मीटर जवळजवळ 120 मीटर ते केलं आयज हांव उल्लेख करूंक सोदतां की साजीद सजत हो एक मनीस जो आसा जेन्ना उतर दिता हिजो मॅन ऑफ कमिटमेंट कॉन्फिडन्स आनी करेज म्हणटा कारण हालींच गेल्ल्या शुक्रारा ताजी आवय भायर पडली आनी गेल्या 10 दिसां पयलीं हो आमी प्रोग्राम आयोजन केल्लो जेन्ना आवय ताजी भायर पडली तेन्ना सरान ताका फोन केलो की प्रोग्राम आमी कॅन्सल करुया म्हणून आनी ताजें उतर आसलें की प्रोग्राम कॅन्सल करपाचो ना आवय भायर पडपाची भायर गेली आपूण जो कमिटमेंट आसा तसो आयज 16 तारखेचो फुलफील करतलो हांव तुमचे कडेन मागता की ताका एक व्हडल्या ताळ्यान ताजो येवकार करचो आयचो जो इनिशिएटिव्ह जो आसा जो विकलांग भुरग्यां लागून जो जे आमचे भाव आसा तांकां एक भायर दिवपाचो एक विचार सहज ताणें केलो आनी आयज ताणें तो कमिटमेंट फुलफील करून दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आवय भायर पडलो एक अडचण जाली तेज्या भायर आनी एक अडचण मोठी आली ती सराकू आमी सांगली ना बायक अवेलेबल जायना आली घटकून म्हाका आमचो जो वेंडर जो आसलो ताणें फोन केलो असो प्रॉब्लम जालो बायक अवेलेबल जायना पूण साजिदान ताका कमी दिली आनी बायक 15 तारखेक कशें करून पावपाचें काम तुजें म्हणून तुका पेमेंट आपूण केल्लो हांव म्हणून ह्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान ह्यो 2-3 दीस अशी बायक करून आज हांगा पाविल्ली आसा म्हणून हांव साजिदा म्हणटा इज अ मॅन ऑफ कॉन्फिडन्स प्रोग्राम करून घेवपाचें ताचे कडेन आयज धाडस आसलें ह्या बायकाच्या माध्यमांतल्यान तेच सांगता की जे आमचे विकलांग भाव आहा तांकां एक आत्मनिर्भर स्वावलंबन जावपाचो एक आमचो मदत आहा कारण हे लोक जे आसा शारीरिक विकलांगला लागून खंय तरी फाटी उरता आनी तांकां फुडें हाडपाचो एक प्रयत्न आहा आमचे मदीं एक आमच्या गांवचो भाव आहा तुषार हो तुषार एक बरो कॉमेंटेटर जी कॉमेंट्री तो मराठीन म्हूण हिंदी म्हूण कोंकणी म्हूण 4 भाशेन तो कॉमेंट्री करता पूण केन्नाय अपेलाज ना म्हणना तो पूण ताचो प्रयत्न डिफिकल्टी जाता तेजी तो तुजे कडेन गाडी ना ताका हाडचो पडटा वचून हाडचो पावचो पडटा पूण सहज एक हांवें साजिदाक प्रपोजल घालतलो की एक जाता जाल्यार ताकाय एक बायक अवेलेबल करून दिवचें आनी तें उतर म्हज्या साजिदान मान्य केलें आनी ताकाय एक बायक हाडून आसा तेणी दिवपाचो एक प्रयत्न केल्लो हांव फुडें उलयताना म्हणटा की भारत सीएसआरान एक बरो हांगा प्रकल्प हाडलेलो स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट ह्या सिरोडा मतदार 4 पंचायत ज्यो आसा पंचायतीन करपाचो आमचो प्रयत्न आहा सराचें आमकां मार्गदर्शन आहा सगळ्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आहा थोडी एक बारीक आमचें डॉक्युमेंटेशन पार्ट उरलेलें आनी थोडक्यात ह्याच महिन्याच्या भायर आमी हो प्रकल्प जो आसा तो आमी सुरू करपाचो प्रयत्न केला तुमकां बऱ्यो साधन सुविधा दिवपाच्यो आमचो एक प्रयत्न आहा हेतू आहा तातूंत मोठो आमचो योगदान जो आमचो साजीद भायचो साजी भाई तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा कारण तूं एक असो मनीस जाल्लो आहा ज्याणी आमच्या गोंयच्या लागून एक बरो विचार केल्लो आहा आनी हो प्रकल्प म्हजो एक हेतू आहा की सुरडा मतदारसंघान जी बाकीचे गोंयान जे इतर भाग जे आमचे गांव भावा तांकां खुबश्यो साधन सुविधा अजून वंचीत आहा तांकां एक ह्यो साधन सुविधा ज्यो शिवडा आमी हांव रिपीट करना कित्याक मुद्दा आमचे सरपंचाने डिटेल उलयल्या त्यो सुविधा आमी इतर गोंयच्या भागांत दिवपाचो प्रयत्न करुया परतून एकदा भारत सीएसआर नेटवर्क तशेंच आमचे शिरोडकर सरांचो कार्यक्रम आयोजीत करपाक आमकां मदत केल्या बद्दल देव बरें करूं आनी म्हजी 2 मिनटां सोपयता म्हाका
ही आता बाईक दिल्याबद्दल तुका कितले हे जातले, बरे जातले, सोयीस्कर जातले? पहिली घरी त्रास जाताले तुका? पहिली म्हाका खूप त्रास जाताले की म्हाज्यान चलोंक जायना, मेन म्हटल्यार चलोंक जायना, आनी म्हाका बायक चलोवपाची खूप इच्छा आशिल्ली म्हाज्या आई घरांनी बघ्यांनी पूर्ण केली. त्यांच्या वतीन हांव सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. तशेंच आमचे सरपंच फेर्नांडीस आसा, शिरोडेची सरपंच, तशेंच सगळ्यांक हांव देव बरें करून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या हांगा दोन कितें काम करता? काम कितें करता? हांव टेलरींग करतां, तशेंच नेटवर्क मार्केटींग करतां. ताका आतां खुबशे करपाची इच्छा जाली आसा. अशें जेका आमी म्हणटात, थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार जे वेवहार करतात किंवा ज्यांचो उद्योगधंदो आसा त्यांनी आपल्याक कमोवन आणि जे आमचे सोशल म्हणजे जे बाकीची जनता आसा तांची उदरगत करपा खातीर जो सुरू केला उपक्रम ताका आमी थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार CSR अशें म्हणटात. आजचो हो पहिलो पावणो भाऊंचे सदांच स्वप्न आशिल्ले की आमचो गांव सुंदर करपाचो, एक सुंदर असो गांव करपाचो आणि गांवगिरो वाठार जो आसा तो एक बऱ्या उचल्या पावण्यार व्हरपाचे जे भाऊन स्वप्न पळयले. आज भारत CSR ह्याच्या माध्यमातल्यान हांगा आमकां पयले आम्ही सोपन चढतना आज खरेच खूप खुशी भोगता. आणि ह्या कार्यक्रमाचे आम्ही सांगपाक सोदता की वेगवेगळे आयचो जरी हो पहिलो कार्यक्रम असलो भारत CSR माध्यमातल्यान तरी वेगवेगळे उपक्रम ह्या माध्यमातल्यान आमचे राबोवपाचे असतात, वेगवेगळे उपक्रम मुखार जावपाचे असतात. थोडक्यात हांव ताज्या बद्दल माहिती दिता. जी स्मार्ट स्कूल्स आम्ही म्हणतात किंवा स्मार्ट क्लासीस ज्यो म्हणतात त्या ह्या माध्यमातल्यान मुखार जावपाच्यो असतात. तशेंच स्मार्ट बस स्टॉप्स वेगवेगळ्या ठिकाणी आमच्या चारूय पंचायतीन स्मार्ट बस स्टॉप जे असतात ते CSR माध्यमातल्यान जावपाचे असतात. तशेंच वायफाय, सगळ्यांक वायफाय सेवा ही आता अत्यंत गरजेची आसा, ती उपलब्ध जावपा खातीर ह्या CSR माध्यमांतल्यान मुखार पावल उबारपाचें आसा. तशेंच ज्या ज्या ठिकाणी CC कॅमेराज जाय, प्रत्येक आमच्या चारूय पंचायतींनी जरी आपल्या पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान CC कॅमेराज उभारिल्ले आसात तरी CSR माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणांक आमी कॅमेरा बसोवपाचे. तशेंच सोलर म्हणजे जी आमची सौर उर्जा आसा तिचो उपयोग जावचो गांवगिऱ्या वाठारांनी, ताचो योग्य वापर जावचो हे एक उद्देश आसा. तशेंच हँडलूम सेंटर जे आसा ताकाय उभारी दिवपाची. तशेंच आरोग्य वेलनेस सेंटर जी आसा ती वेगवेगळ्या ठिकाणांक उभारपाचे आसत. तशेंच प्लेग्राउंड जे आसात ते सुसज्ज करपाचे. तशेंच कम्युनिटी सेंटर्स जी आसात ती उभारपाची. मागीर एम्ब्युलन्स म्हणा, वेगवेगळे सॅनिटेशन, वेस्ट मॅनेजमेंट अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान किंवा हांगा महिलांची उपस्थिती खूप असा, महिलांचे सशक्तीकरण म्हणजे त्यांचे एम्पॉवरमेंट जे असा ते करपाच्या माध्यमातल्यान CSR जे असा त्यांच्या माध्यमातल्यान हे काम जावपाचे असा. तसेच वेगवेगळ्यो ज्यो कंपनीज असतात किंवा भुरग्यांक जे आमचे तरणाटे असा त्यांना आत्मनिर्भर करपा खातीर वेगवेगळे व्यवसाय त्यांना स्किल डेव्हलपमेंट शिकवपाचे काम त्यांच्या माध्यमातल्यान जातले. तशेंच आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य म्हटल्यार सांगपाचे भाऊ कडेन प्रोविदोरिया हे खाते आसा आणि ह्या खात्याच्या माध्यमातल्यान आज जवळजवळ 2.5 लाखांच्या चेकांचे हे वितरण जातले. जे कोण गरजू आसात त्यांच्या खातीर हे वितरण जातले. तशेंच भारत CSR माध्यमातल्यान इलेक्ट्रॉनिक्स बायक्सचे जे वितरण जातले. ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमच्या मदीं आसात आमचे मानाधिक WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकर हांचे हांव पंचायतीच्या वतीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांचे स्वागत करतां. Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.